एन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीएन खिलाफत न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें कि थाना ठाकुरगंज स्थित रॉकलैंड हॉस्पिटल में आए दिन भर्ती हुए दूर दराज के मरीजों के तीमारदारों से धन उगाही का खेल चलता रहता है। अभी पूर्व में एक साल भर के बच्चे को तीमारदारों ने रॉकलैंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसे लीवर की बीमारी थी। अस्पताल प्रशासन द्वारा उसके तीमारदारों से एक मोटी रकम वसूली गई और इलाज के नाम पर महज खाना पूर्ति चलती रही, जिसके चलते उस बच्चे की मौत हो गई। और एक ताजा मामला एक बार फिर देखने को मिला है, जिसमें बलरामपुर में भर्ती दिमाग के एक मरीज को जवाब दे दिया गया है, जिसे रॉकलैंड अस्पताल के एम्बुलेंस चालक द्वारा वहां ले जाया गया और अस्पताल प्रशासन में बिना केस हिस्ट्री को देखे उसे भर्ती कर लिया गया और फिर शुरू हुआ धन उगाही का खुला खेल। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता द्वारा अस्पताल संचालक से जानकारी ली गई, तो अस्पताल संचालक द्वारा उल्टा हमारे संवाददाता पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। मरीज के तीमारदारों ने क्या कुछ कहा है और अस्पताल संचालक द्वारा हमारे संवाददाता को दी गई धमकी को भी हम आपको सुना रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हॉस्पिटल क्यों आए हो? पार्टी करने। क्या हुआ था मरीज को तुम्हें? मरीज को हुआ था ठंड लगे की सर्दी लगे की। कहाँ से आए हॉस्पिटल? से बल्लापुर से। रिसर्च कौन तुम्हें लेकर यहाँ पे आया था? गाड़ी वाला, एम्बुलेंस वाला। अच्छा, एम्बुलेंस वाला उनसे मिला है क्या? शायद मिला हुआ है। कितने रुपए थे हॉस्पिटल में? करीब 80,000 रुपए। क्या नाम है हॉस्पिटल का? रॉकलैंड हॉस्पिटल। ये कहाँ पड़ता है हॉस्पिटल? ठाकुरगंज। तुम्हारा नाम क्या? रवि साहू। पेशेंट कौन हो? लड़के। क्या है दिक्कत पेशेंट को? दिक्कत सर पे। कितने रुपए मांग रहे? और अभी 80,000 रुपए। दिमाग के बता रहे हैं 1,00,000 रुपए। दिमाग का ऑपरेशन होगा, 1,00,000 रुपए लगेगा। क्या ऑपरेशन? दिमाग का ऑपरेशन करेंगे, कह रहे हैं 1,00,000 रुपए लगेगा। तो मरीज छोड़ नहीं रहे से? नहीं भाई। क्या कह रहे हैं? कह रहे मरीज ले जाओ, पैसे जो इलाज किया अभी तक कोई वो नहीं फायदा। कल से बीमार पड़े, कोई होश नहीं आया, ना आंखें खोला उन्होंने। मैंने कहा कि पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या उनकी आंखें खुले? कम से कम देखें, बोल देख तो सके बात। क्या लगता है आपको मरीज को कुछ हुआ है क्या? क्या लगता है आपको? जी सर, क्या लगता है मरीज खत्म हो गया क्या? सर ये अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, ऑक्सीजन लगी हुई है सर। क्या नाम है? सोनू साहू। आप मरीज कौन हो? लड़के हैं सर। हाँ, रॉकलैंड हॉस्पिटल से बात हो रही है जी? बताएं भैया। मैं रीतल केटीएन न्यूज से बोल रहा हूँ, शकील सिद्दीकी। जी जी बताएं। आपके वहाँ बलरामपुर से कोई इसका न्यूरो का पेशेंट एडमिट हुआ था, बलरामपुर से रेफर होकर आपके वहाँ आया था। बिहार का है वो। तो क्या नाम है? सौरभ नाम बता रहा, उसका उसी का जो है पेशेंट है, कोई जो एडमिट है वहाँ पर। हाँ, उसका हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पर वहाँ पर तमाम लोग और भी हैं, तो उनके फोन कॉल्स भी हमारे पास भी आ रहे हैं। तो क्या मामला है उसको बता रहा था। 80,000 रुपया जमा किया, अब 1,00,000-1,50,000 रुपया और मांग रहे हैं। क्या है मामला पूरा? क्या पूरा मामला है? क्या मामला है आपके वहाँ? क्या हुआ है? जो पेशेंट हमारे पास उसकी जो कॉल आई थी, उसने जो अपना बयान दिया है। आप बोल कौन रहे हैं? शकील सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, केटीएन न्यूज से रेजिडेंट एडिटर। तो आपको क्या कहना है इस मामले पे? हमारा कोई कहना नहीं, आप हॉस्पिटल बात करिए। आपको आप तो हॉस्पिटल से ही बोल रहे हैं ना? आपका जो है उसमें डीपी में आ रहा है नाम, आप लिखकर आ रहा है। नहीं, मैं अभी बाहर हूँ। आप बाहर है तो जरा सा आप हॉस्पिटल में आप कोई नंबर दे दीजिए हॉस्पिटल का, तो मैं बात कर लूँ। कोई बात नहीं करता, मैं ही बात करता हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। तो आप जानकारी लीजिए ना, वहाँ पर तमाम पब्लिक इकट्ठा है, तमाम जो तीमारदार है वहाँ पर तमाम। इससे पहले भी मामला हुआ था आपके वहाँ, एक बच्चे की डेथ हुई थी, आपको पता होना चाहिए। क्या मामला है इस तरह से? जो हॉस्पिटल है आपको पता है, और अभी जो ताजा मामला आया है वहाँ पर जो लोग एडमिट है, जो बिहार से एक केस आया था बलरामपुर से, उसको रेफर किया गया आपके वहाँ, वो एडमिट लेकर आया है। कल की बात हो रही है, कल उसको एडमिट किया गया, न्यूरो का सर्जन है, उसका ब्रेन का कुछ मामला है। ठीक है,
उसकी उसका उसका जो है वर्जन हमारे पास आया, उसने आके हमारे दफ्तर में बैठ दी है कि ऐसा ऐसा मामला उसके साथ हुआ है, 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया उससे और मांगा जा रहा है, 80 लाख आप बिल मांगिए उससे, बिल मांगिए, बिल हो तो आप वो सब दिखाया है, उसने बिल भी दिखाया है जो उसने अपनी व्यथा बताई, अपनी व्यथा कथा जो बताई। बताने से क्या होता है, जो जो अगर उसके पास कोई सबूत हो तो ठीक है, आपको इससे पहले भी आप हमारे पीछे पड़े हैं। नहीं, हम आपके पीछे क्यों पड़ेंगे? नहीं, आप मेरे पीछे ही पड़े हैं। क्यों पड़ेंगे? वहीं पे आप लोग खबर कर, आप लोग एक आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग वहीं पे, आप लोग वहीं पे जो लगा रखे हैं, आप लोग वहीं पे वही हमारे हॉस्पिटल के बाहर लगा रखे हैं, आप लोग फोन करके आपका हॉस्पिटल का आई डोंट नो, ठीक है, आप जानते हैं हमें, ठीक है, आप नहीं जानते हैं, यू नो वेरी वेल है, और आप हमारी बात भी हो चुकी है, मेरा आप हमारे चैम्बर में आके आप हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, फाइल मांग रहे थे पेशेंट की, क्यों बिल्कुल सूचना आएगी, जानकारी आएगी, समाचार आप तो अभी आप कह रहे थे मैं जानता नहीं हूँ आपको, सूचना आएगी, इससे पहले भी आप ब्लैकमेल कर रहे थे हमें फोन करके, सुनिए आपके वहाँ जो कुछ हो रहा है हमारे पास जब कोई जानकारी आएगी किसी अखबार या चैनल से जाएगी, नहीं में नहीं, आप मैं आपके खिलाफ एफ आई आर करूंगा, आप ब्लैकमेल कर रहे थे पहले भी, आप आके पर्ची में आप अभी आपने बोला है कि मैं केटीएम का रेजिडेंट बोल रहा हूँ, और आप अभी बोले सरकार बोल रहा हूँ, ठीक है, केटीएम न्यूज का रेजिडेंट, नहीं 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 अभी आपने कहा केटीएम न्यूज।